हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग। तो आइए शुरू करते हैं। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और इस चैनल को बड़ा बनाने में मदद करें। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है स्कल आइलैंड जहाँ कॉन्ग रहता है। वो सोकर उठता है और जाके वाटरफॉल के नीचे नहाता है और फिर एक ट्री उखाड़ कर आसमान में फेंकता है। तब पता चलता है कि वो एक मोनार्क का फैसिलिटी रहता है जो कॉन्ग को गॉडजिला से बचाने के लिए है। और उस बीच एक लड़की को भी दिखाया जाता है, वो कॉन्ग से इमोशनली अटैच रहती है और कॉन्ग भी। उस लड़की का नाम जिया रहता है। और फिर एक लड़की को दिखाया जाता है, उसका नाम डॉक्टर एंड्रूज रहता है और वो कॉन्ग और उस लड़की की देखभाल करती है। तभी एक आदमी आता है और एंड्रूज को कहता है कि ये फैसिलिटी कॉन्ग को ज्यादा दिन तक नहीं रोक पाएगी। तब एंड्रूज कहती है कि कॉन्ग को हम बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि दो टाइटन की एंशिएंट राइवलरी है। तब जिया आके कहती है कॉन्ग गुस्से में है। तब एंड्रू कहती है जाके गाड़ी में बैठो। उसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है, वो टाइटन और एक कंपनी जिसका नाम एपेक्स साइबरनेटिक रहता है उस पे वो पॉडकास्ट कर रहा होता है और कहता है कि वो पिछले 5 साल से जासूसी कर रहा है एपेक्स में और कहता है कि एपेक्स वो कुछ छुपा रहा है। और वो एपेक्स में दिखाया जाता है उसकी फैसिलिटी में जहाँ वो वर्कर के रूप में जाता है और जाके एक कंप्यूटर से वहाँ के एक फैसिलिटी के बारे में डिटेल ले ही रहा होता है। तभी गॉडजिला को आते हुए दिखाया जाता है और वो एपेक्स की फैसिलिटी में आकर तबाही मचाता है, जो कि पहली बार देखा जाता है कि गॉडजिला अब इंसानों को हार्म कर रहा होता है। तभी एपेक्स के बॉस को दिखाया जाता है, वो अपने एक खास आदमी के साथ हेलीकॉप्टर से जा रहा होता है। जब गॉडजिला आता है तभी इस बीच वो आदमी को भी एक डिवाइस दिखता है जिसकी वजह से गॉडजिला यहाँ आया हुआ होता है। फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ मेडिसन अपनी क्लास कर रही हो, तभी उसकी नजर टीवी पे पड़ कि गॉडजिला ने तबाही मचाई है। और फिर वो इसे देखकर अपने स्कूल के बाद वो अपने डैड के पास जाती और बोलती है गॉडजिला ऐसा कर ही नहीं सकता, उसने मुझे और आपको भी बचाया है। पर उसके डैड उसे घर जाने को कहते हैं और वो घर पे जाके उसी आदमी की पॉडकास्ट सुनने लगती है और कुछ सर्च भी करते रहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और डेनहम यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी से मिलने के लिए एपेक्स के सीईओ जाता है अपने उस आदमी के साथ और उसे मनाता है हॉलो अर्थ में जाके गॉडजिला जैसी एनर्जी सिग्नेचर को ढूंढने के लिए। और वहां डिसाइड होता है कि वो इस चीज के लिए कॉन्ग को इस्तेमाल करेगा। और फिर लिंड जो कि उस आदमी का नाम होता है वहां से सीधे मोना के कॉन्ग वाले फैसिलिटी में जाता है और वहां डॉक्टर एंड्रू को मनाता है इस मिशन के लिए कुछ टर्म और कंडीशन के साथ। डॉक्टर एंड्रूज भी मान जाती है यह मिशन के लिए। फिर दिखाया जाता है कि कॉन्ग बेहोश है और उसे शिप से शिफ्ट किया जा रहा होता है हॉलो अर्थ की स्टार्टिंग पॉइंट पे। और फिर एपेक्स यो वॉल्टर की बेटी की एंट्री होती है, उसका नाम माया रहता है और वहाँ डॉक्टर एंड्रूज और जिया भी रहती है उसी शिप पे। तब रात के समय जिया कॉन्ग से मिलने जाती है और उसे बात करती है इशारों में और यह सब लिंड एंड्रू और माया देख रहे होते हैं कि ये लड़की कॉन्ग से बात कर रही है। और फिर दिखाया जाता है मेडिसन को, वो अपने दोस्त को एक वैन लेकर बुलाती है और उसके बाद वो वहां से चल देती है अपने दोस्त के साथ उस आदमी को खोजने के लिए। और फिर पहुंचती है एक शॉप पे जहां वो शॉपिंग करने आता है और फिर वहां से पता चलता है उसके बारे में। फिर मेडिसन अपने दोस्त के साथ वहां जाती है पर वो डोर नहीं खोलता है। और फिर जब मेडिसन अपना नाम लेती है तब वो खोल के उसे मिलने आता है और एक रेस्टोरेंट में बैठकर वो बात करने लगते हैं एपेक्स के बारे में। ये तय करते हैं कि वो चुपके से जाएंगे एपेक्स में। उसके बाद कहीं टेस्मन सी में कॉन्ग को ले जा रही शिप पे कॉन्ग को फिश खाते हुए दिखाया जाता है। और दूसरी तरफ एंड्रूज जिया से बोल रही होती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम कॉन्ग से बात कर सकती हो, और वो साइन लैंग्वेज समझता है। तब जिया कहती है कॉन्ग ये नहीं चाहता था। उसके बाद एंड्रू लिंड के साथ जाकर बैठती और कुछ बात करती ही है, वैसे ही अलार्म बज उठता है और फिर पता चलता है कि गॉडजिला उनकी तरफ आ रहा होता है और वो मिसाइल फायर स्टार्ट करते हैं और गॉडजिला को रोकने के लिए। पर गॉडजिला को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कॉन्ग की तरफ बढ़ता ही चला आता है। दूसरी तरफ कॉन्ग भी दहाड़ रहा होता है और फिर अचानक से गॉडजिला कॉन्ग के शिप के जस्ट नीचे से निकलता है और शिप पलटने लगती है।
उसके साथ कॉन्ग भी पानी में जा गिरता है क्योंकि कॉन्ग को शिप से चेन के थ्रू बांधा हुआ होता है। और दूसरी तरफ यूएस नेवी गॉडजिला पे फायरिंग कर रही होती है, पर गॉडजिला को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तब लिंड कॉन्ग को आजाद कर देता है गॉडजिला से फाइट करने के लिए, और कॉन्ग भी इसी दौरान शिप को सीधा कर देता है। और फिर कॉन्ग शिप पे खड़ा होकर अपने गले की चेन को भी वो तोड़ देता है और बगल वाले एयरक्राफ्ट कैरियर पे कूद जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जिया को कुछ नुकसान हो। और गॉडजिला भी एयरक्राफ्ट कैरियर पे आ जाता है कॉन्ग से लड़ने के लिए, और कॉन्ग उसे पानी में मार के धकेल देता है। तभी गॉडजिला अपनी बीम छोड़ता है और कॉन्ग कूद जाता है पानी में, और इसी का फायदा उठाते हुए गॉडजिला कॉन्ग को गहरे पानी में ले जाने लगता है। तभी एंड्रूज लिंड को कहती है डीप चार्जेस छोड़ने के लिए, और फिर वो छोड़ते हैं। वो जाके पानी में ब्लास्ट करता है और फिर कॉन्ग उसी शिप पे आके लेट जाता है। तब लिंड कहता है सारी शिप्स बंद कर दो। गॉडजिला जब बाहर आता है तो देखता है कि कॉन्ग शिप पे लेटा हुआ है, और वो उसे मर्डर समझ कर वहां से चला जाता है। तब जिया खुश होकर कॉन्ग को इशारे से बुला रही होती, और कॉन्ग भी उसे देख रहा होता है। और फिर वो डिसाइड करते कॉन्ग को हवा के रास्ते ले जाने का, क्योंकि अगर वो इंजन स्टार्ट करेंगे तो गॉडजिला फिर से आ जाएगा। और फिर दिखाया जाता है मेडिसन और उसके दोस्त और वो आदमी को, वो एपिक्स कंपनी में जाते हैं, और फिर लिफ्ट के मदद से वो लेवल 33 पे जाके रुकते हैं। और जब निकलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एपिक्स दुनिया से छुपा कर कुछ कर रहा होता है, और किसी की आने की वो आवाज सुनते हैं, और वो जाके कंटेनर में छुप जाते हैं और देखते हैं कि एपेक्स कुछ टाइटन के मॉन्स्टर को बना रहा होता है। और वैसे ही उस कंटेनर की सारी गेटें बंद हो जाती हैं। तब उन्हें पता चलता कि वो कंटेनर हांगकांग जा रहा होता है, और फिर दिखाया जाता है वो लोग कॉन्ग को एयर लिफ्ट कर रहे होते हैं अंटार्कटिका में, और डॉक्टर एंड्री जी और लिन भी होते हैं, और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने पे जब वो कॉन्ग को छोड़ते हैं तब कॉन्ग को भी होश आता है और वो उठकर इधर उधर देखने लगता है। तब उसकी नजर जिया पे पड़ती है और जिया उसे इशारों में बता रही होती है कि हॉलो अर्थ के स्टार्टिंग पॉइंट पे जाने के लिए। तब कॉन्ग इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। तब लिंड एंड्रू से कहता है कि कहो उसे कि उसकी फैमिली वहां मिलेगी। एंड्रू जिया से इशारों में बात करती है। तब जिया कॉन्ग को इशारों में बोलती है, वैसे ही कॉन्ग हॉलो अर्थ के स्टार्टिंग पॉइंट की ओर भागने लगता है, और वो सब भी स्पेशल एयरक्राफ्ट में बैठकर वहां पहुंचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद और वो देखते हैं कि वहाँ की ग्रेविटी भी अर्थ से डिफरेंट है, और फिर कॉन्ग के पीछे पीछे वो सब जाते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं जिस जगह की उनको तलाश रहती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मेडिसन भी अपने साथियों के साथ हांगकांग पहुँच जाती है, और जब वो उस कंटेनर से बाहर आती है तो देखती है एपेक्स ने मेटल गॉडजिला तैयार किया है गॉडजिला को रिप्लेस करने के लिए, और फिर वो वहाँ से भागते हैं। और दूसरी तरफ गॉडजिला भी आ रहा होता है, और दिखाया जाता है कॉन्ग को वो उस जगह का गेट खोलता है और अंदर जाता है, और वहाँ पड़े एक हथियार को उठाकर दहाड़ने लगता है। पीछे से लिंड और उसकी टीम ये सब देख रही होती है, और फिर कॉन्ग उस हथियार के साथ बैठता है जैसे मानो वो अब अपने घर में है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है हांगकांग में एपेक्स कंपनी का सीन, और मेडिसन और उसके साथियों वहां से निकलने के लिए रास्ते की तलाश करते ही रहते हैं कि मेडिसन को एक दूसरी चैम्बर में हिडोरा का हेडबोन रखा हुआ मिलता है। वहाँ तब वो समझ जाते हैं कि गॉडजिला ह्यूमन और एपेक्स पे अटैक क्यों स्टार्ट कर दिया है, और फिर गॉडजिला भी हांगकांग पहुंच जाता है और आर्मी भी तैयारी कर रही होती है गॉडजिला को रोकने के लिए। फिर सीन शिफ्ट होकर वापस कॉन्ग के प्लेस पे ले जाया जाता है। वहाँ माया एनर्जी सिग्नेचर की तलाश में रहती है, और तभी अचानक से कॉन्ग का हथियार चमकने लगता है, तो कॉन्ग उठकर वहाँ बने उसी हथियार के ढांचे में रख देता है, और फिर सब देखते हैं कि वो वेपन चमक उठता है पूरा। तब एंड्रूस कहती है कि ये अर्थ के कोर से रेडिएशन से चार्ज ले रहा है, और फिर दूसरी तरफ गॉडजिला हांगकांग पहुंचकर अपने बीम से धरती में होल करना चालू कर चुका होता है, और जस्ट उसी के नीचे हॉलो अर्थ में माया को वो एनर्जी सिग्नेचर मिल जाता है जिसे वो अपने डैड को एपेक्स में भेजती है जिससे वो उसे मेटल गॉडजिला को पावर कर सकते हैं। पर एंड्रूस उसे रोक
भौंकती है तो माया उसे वेपन दिखा के वहीं खड़ा कर देती है। वैसे ही कॉन्ग दहाड़ता है और वहां से एक धमाका होता है धरती के नीचे से, तो पता चलता है कि ये गॉडज़िला ने अपने भीम से होल बना दिया होता है हॉलो अर्थ तक। पर जब तक माया का काम बन चुका होता है और वो अपने एयरक्राफ्ट से उठ कर जाने भी लगती है, तब तक कॉन्ग उसे पकड़ कर मसल देता है। उसके बाद कॉन्ग अपना वेपन उठाता है और उसी होल में कूद जाता है गॉडज़िला तक पहुंचने के लिए। और लिंड भी जिया और एंड्रू के साथ वैसे ही एयरक्राफ्ट में बैठकर कॉन्ग के पीछे जाता है। तब मेडिसन को दिखाया जाता है वो किसी सीक्रेट रास्ते से उसी गिडोरा के हेड के बीचों बीच पहुंचती है अपने साथियों के साथ। तभी वहां उसे कुछ लोग देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं। फिर कॉन्ग को अर्थ सरफेस पे आते हुए दिखाया जाता है अपने वेपन के साथ और दहाड़ कर गॉडज़िला को बुलाता है और फिर दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इस बार कॉन्ग गॉडज़िला को अच्छी टक्कर देता है और फाइट के बीच में जब वैसे ही लिंड भी होल से बाहर आ जाता है और सामने कॉन्ग और गॉडज़िला को लड़ते हुए पाता है और जैसे तैसे करके अपने आप एयरक्राफ्ट को बचाता है। और दूसरी तरफ मेडिसन को उसके साथियों को दिखाया जाता है उसे पकड़कर एपेक्स के गार्ड अपने बॉस के पास ले जा रहे होते हैं। तब मेडिसन बोलती है तो तुमने ये सब किया है? तब वॉल्टर बोलता है हाँ, अगर मुझे इस बात का क्रेडिट देते हो तो। और फिर वापस से सीन शिफ्ट होता है गॉडज़िला और कॉन्ग की फाइट पे। गॉडज़िला भीम छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है वैसे ही कॉन्ग उस पर कूद जाता है उससे मारने लगता है। तब गॉडज़िला कॉन्ग को नचाकर फेंक देता है और जिसे कि उसका आर्म डिसलोकेट हो जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए गॉडज़िला कॉन्ग को घायल कर देता है और फिर कॉन्ग पर दहाड़ने लगता है और ये सब जिया देख रही होती है। और दूसरी तरफ एपिक्स में मेटल गॉडज़िला को एनर्जी दी जा रही होती है और वो एनर्जी मिलने के बाद वो खुद एपिक्स के काबू से बाहर हो जाता है और वॉल्टर को मार देता है और उसे चलाने वाले पायलट को भी शॉक लगता है और वो भी मर जाता है। और फिर वो अपने माउंटेन में बने बेस से बाहर आता है और गॉडज़िला पे अटैक करने लगता है। ये सब मेडिसन और उसके साथी देख रहे होते हैं पीछे से और फिर फाइट स्टार्ट हो जाती है गॉडज़िला और मेटल गॉडज़िला के बीच में। दूसरी तरफ जिया लिंड और एंड्रूज आते हैं कॉन्ग के पास। तब जिया को पता चलता है कि कॉन्ग की हार्ट बीट स्लो हो रही है। तभी लिंड कॉन्ग को उसी शिप के एनर्जी से शॉक देता है। दूसरी तरफ गॉडज़िला पे भाड़ी पर रहा होता है मेटल गॉडज़िला। तभी कॉन्ग को उठते हुए दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि जिया कॉन्ग को समझा रही होती है कि गॉडज़िला हमारा दोस्त है, उसकी मदद करो। तब कॉन्ग उठता है और अपने आर्म को ठीक करता है और फिर दिखाया जाता है मेडिसिन के साथ ही वो कंप्यूटर से मेटल गॉडज़िला को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब मेटल गॉडज़िला पे भीम से अटैक करने वाला ही रहता है तब कॉन्ग उसके ऊपर चढ़कर मारने लगता है और फिर कॉन्ग और गॉडज़िला मिलकर लड़ाई करते हैं। पर मेटल गॉडज़िला दोनों को एक एक पंच मारकर गिरा देता है। तब कॉन्ग की नजर अपने वेपन पर पड़ती है, वो वेपन उठाकर उसे लड़ाई करने लगता है। फिर दूसरी तरफ वो कंप्यूटर पे ट्राई कर रहे होते हैं पर जब कोई बात नहीं बनती तब मेडिसिन के दोस्त उस कंप्यूटर पे अल्कोहल गिरा देते हैं जिससे उसमें शॉर्ट सर्किट होने लगता है और गॉडज़िला भी अपने बीम से कॉन्ग के वेपन को चार्ज कर देता है। तब कॉन्ग उसी वेपन से मेटल गॉडज़िला को एक एक करके उसके सारे पार्ट्स काट देता है और मेटल गॉडज़िला के हेड को उखाड़ कर ऊपर कर चिल्लाता है और फिर शांत होकर बैठ जाता है और फिर सिचुएशन नॉर्मल होने लगती है। तब गॉडज़िला भी कॉन्ग को देखता है, कॉन्ग अपना वेपन उठा लेता है फिर से और फिर छोड़ देता है। तब गॉडज़िला चिल्लाता है और वहां से चला जाता है। और फिर दिखाया जाता है लिंड उसी होलो अर्थ में कॉन्ग के निगरानी का हेड बन जाता है और कॉन्ग अपने नए घर में घूम रहा होता है और यहाँ मूवी का एंड हो जाता है।